लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल ने डीबी भारती समाचार से बातचीत कर अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा और हरा भरा बहुत जल्द बनाएंगे। मेरा प्रयास होगा कि हमारा शहर साफ सुथरा और हरा भरा बने। स्मार्ट सिटी के कामों को भी पूरा किया जाएगा। असल में बहुत पुरानी पाइपलाइन पड़ी है, कम से कम नहीं भी होंगे तो 40-50 साल, वहीं पे ये समस्या आ रही है। अभी कुछ जगह नई सीवर लाइन बिछी है लेकिन अभी वहाँ कनेक्शन नहीं हुआ, हो रहा है काम, तेजी से चल रहा है। और बाकी जो नई कॉलोनी है वहाँ पे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है सीवर की। साफ सफाई की बात है तो साफ सफाई का टेंडर पड़ चुका है, काम शुरू हो गया है, गाड़ियाँ आ रही हैं और मुझे लग रहा है फरवरी 2022-23 को काम शुरू हो जाएगा, गाड़ियां चलने लगेंगी। मार्च में आपको साफ सफाई बिल्कुल दिखने लगेंगे कैसा काम हो रहा है। मैडम, इससे पहले जो साफ सफाई की जिम्मेदारी इको ग्रीन के पास हुआ करती थी, अब ये जिम्मेदारी आप लोग के पास है, तो कितना ज्यादा इसमें आपने कामयाबी हासिल करी है अभी तक? देखिए, हम लोगों ने तो इको ग्रीन ने कुछ काम ही नहीं किया, हमेशा ब्लैकमेल करती रही, तो हड़ताल पे हड़ताल करती रही, तो उसको निकाल भार किया। नई कंपनी को दिया है काम, नई कंपनी पूरी तरीके से एकदम सिस्टम से उतर रही है मैदान में, फरवरी के लास्ट एंड में उतर जाएगी, उसके बाद मार्च अप्रैल में बढ़िया काम नजर आएगा। बजट भी अभी पास हुआ है हर क्षेत्र में पार्षदों को लेके, कहीं कहीं पे ये भी देखा जा रहा है कि इंटरलॉकिंग लगी है, जल्दी लगाई गई है, उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया, उसके बाद उसी जगह पे फिर से इंटरलॉकिंग लगाई जा रही है, कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं सरकारी बोर्ड उखाड़े जा रहे हैं, इस तरह की शिकायतें मिल रही, कहीं टैक्स को लेकर समस्या है, इन पर आपको क्या कहना है? देखिए, इंटरलॉकिंग उखाड़ी जा रही है, मेरे संज्ञान में आया है, मैं देखने गई हूँ, मैंने देखा है जो उखड़ गई है उसको तो नए सिरे से बन रहा है, बाकी रोक दिया गया है। टैक्स वसूली तो ज्यादातर मार्च में ही ज्यादा आता है, सरकारी बिल्डिंगों में जो पैसा बैलेंस हो, लोग अधिकांश लोग मार्च में ही पैसा देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जोन के अंदर बगदा अधिकारी लोगों से, गरीब जनता से पैसे लेते हैं, कहीं ना कहीं पकड़ के जेल भी जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ये भी एक अहम विषय है, इस पर क्या आपकी चर्चाएं होती हैं? क्योंकि अक्सर आप जो है मंगल को मीटिंग में रहती हैं, पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और जनता को बराबर परेशान कर रहे हैं, इस पर आप कैसे देखते हैं? जिन्होंने ये पैसा लिया है, जो पकड़ा जा रहा है तुरंत उन पर कार्रवाई हो रही है, सस्पेंड हो रहे हैं, यहाँ तक कि मैं तो चाहती हूँ कि बर्खास्त हो जाए ऐसे अधिकारी, और बार बार मैसेज देने के बाद भी हरकतें करेंगे तो सजा भुगतेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, स्विच कंपनी के पास ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सीवर को लेकर, पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि स्विच कंपनी इतना खरा नहीं उतर पा रही, कहीं ना कहीं आप देखिए ऐसबाग में क्या, आप कहीं भी जाइए सीवर समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको लेके आए दिन आपने देखा होगा बरसात जब होती है तो सब नाले और नालियां उफान पे आ जाते हैं, इसके लिए आपने क्या प्लानिंग आगे बहुत जल्दी इस पे भी मीटिंगें होंगी, वैसे कार्रवाई मैंने कई जगह की है, सीवर भी काम कर रहा है लेकिन इस पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे आधा लखनऊ स्वेज के पास है, बाकी आधा हमारे पास है। तो हमारे साथ सुषमा खरकवाल जी थी, काफी तेज महिला हैं, काफी एक्टिव हैं, क्षेत्र में रहती हैं, दिखाई देती हैं, काफी सवाल हमने इनसे पूछे, साफ सफाई, टैक्स पे काम चल रहे हैं, दिखेंगे, बाकायदा मैडम फील्ड पे रहती हैं, मैडम का कहना है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत कर रहे हैं, उस तरह जेल जाएंगे, और जहां पर जो शिकायतें मिल रही हैं बराबर उनको देखा जा रहा है, उसको नोट किया जा रहा है और उन पर भी कार्रवाई हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजमेर के साथ मैं सौरभ पांडे, डीबी भारती समाचार। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।